अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू योर ऑन शो बूझो तो जीतो। मैं आपकी होस्ट रीना हारून। आज हम एवेन्यू मॉल में बातें होंगी, मस्ती होगी। लाहौर न्यूज़ की तरफ से बहुत सारे नाम होंगे। आपका टैलेंट जो है वो लाहौर न्यूज़ HD की जो है वो TV स्क्रीन पर होगा। इस वक्त जो है वो मैं मॉल के अंदर जो है वो एंटर हो रही हूँ और बहुत से लोगों से जो है वो हम बातें करेंगे। और मज़े की बात यह होती है कि जब हम मॉल में एंटर होते हैं तो बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें जो है उनको देखने को मिलती हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। कोशिश करेंगे कि बहुत सारे लोगों से बातें करें, उनका टैलेंट जो है वो स्क्रीन पर लेकर आएँ और इंटरेस्टिंग जो है वो सवाल करें। तो देखते हैं इनको सवालों के जवाब आते हैं या नहीं आते, वरना प्रोग्राम के आखिर में जो है मैं आपको सवालों के जवाब बताऊंगी। और प्लीज़, दिसंबर है, बहुत ही अजीब मौसम है, सर्दी है और एकदम आपको गर्मी लगती है और एकदम आपको सर्दी लगती है, तो ऐसे मौसम में अपना ख्याल रखें, ख़ुद को जो है सही से ढांप कर रखें, कवर करके रखें ताकि आपको सर्दी ना लगे, ठीक है। और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? महा। ये आपके? ये मेरी बेटी है और ये मेरी बहन की बेटी है, कोई है। आप खाला इनकी? जी। ठीक है, इनको माइक दे दें। ये ले बेटा। नाम बेटा? अनफार। ओके, आपका नाम? मरियम। इनका नाम? अनाया। ये बाल, अनाया बाल किसने किए हैं बताए बेटा? माइक इसके आगे करो बता। मम्मा, मामा ने करवाए? जबरदस्त। ओके जी, मुझे बताओ आप लोग, इतने छोटे क्या सवाल करूँ, क्वेश्चन तो नहीं करूँगी, मुझे बताओ क्या सुनाओगी? ABC पॉइंट टेबल क्या आता है? वे टेबल आता है। सुना दो, थोड़ा लाउड बोलो। ओके, आवाज नहीं आ रही। किसका टेबल? फाइव का सुना दो। फाइव वन द फाइव, फाइव टू इज द टेन, फाइव थ्री द फोर फिफ्टीन, फाइव थ्री इज द फाइव फोर इज द ट्वेंटी, फाइव सिक्स आर, आप क्या सुनाओगी? 20। ABC, चलो पहले पूछो, आप क्या सुनाएंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. इनको दे दो बेटा, थोड़ा ऊंचा बोले। कौन सी क्लास में? 1। हाँ, ऐसे देखो, इतना ऊंचा बोल रही है बहना। देखो बच्चों, हाथी आया साथ में अपना बच्चा लाया, बड़े बड़े कानों वाला, बड़े बड़े कानों वाला चिड़िया, छोटी 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 आंखों वाला सून से पानी पीता है, चिड़ियाघर में रहता है। चलो क्लैपिंग करो सारे एक दूसरे के लिए। ये ले जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। और लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए एक और गिफ्ट। थैंक यू बच्चों। माइक भाई को दे दो जाके। जी अच्छा लगा इससे बात की। अब बच्चों को आती होती है पोएम, थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं, विच इज टोटली ओके। पहली दफ़ा कैमरा को फेस करना इतना इजी नहीं होता, तो ऐसा हो जाता है। मगर अब देखते हैं, आज कोई रेसिपी ज़्यादा नहीं हमें पता चल रही, तो किसी से कोई रेसिपी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम इधर हो जाओ। नाम आपका? आदिशा अबे। क्या? आदिशा अबे। आदिशा, आदिशा का क्या मतलब है? जन्नत का फूल। जन्नत का फूल, सामने देखो जन्नत के फूल। मुझे बताओ खाने में क्या पसंद है? मैक्रोनी एंड बिरयानी, सब कुछ। सब कुछ खा लेती हैं, पका क्या लेती हैं? बिरयानी भी बना लेती हैं, बनाई नहीं है कभी, लेकिन पसंद है, मैक्रोनी वगैरह बना लेते हैं। बना लेती हैं। चलिए आपसे एक आसान सा सवाल करते हैं जी, अगर आपको उसका जवाब आ जाए तो। आप जन्नत का फूल है, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? गुलाब का फूल। गुलाब का फूल? Oh, no! अच्छा मुझे बताओ, कभी किसी को, फैमिली को, माँ बाप किसी को कभी फूल दिया? हाँ। कौन सा? गुलाब का। गुलाब का फूल दिया। अच्छा चले, आप मुझे बता दें, आपको जवाब नहीं आया, आप टास्क करेंगी, टंग ट्विस्टर आपको देते हैं। ठीक है? पके पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। पकड़े पेड़ को पकड़ा पपीता, पकड़े पेड़ को पिंकू पकड़े। पके पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। अच्छा कोई इजी था? दे दें, इतना मुश्किल है? इजी, चलो ट्राई करो। रेसिपी, पके पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे पके पिंकू। हां पिंकू पेड़ पे पका लिया तुमने? नहीं, ये मेरे माइंड में नहीं है, वो रिसाइकलिंग में बार बार। पके पेड़ पे पका पपीता, आगे अब मुझे भूल गया ना, सोचो खुद सोचो। पके पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे पके पिंक,
पिंकू पेड़ पे पकड़ा है भाई, वेरी गुड। क्या सुनाएंगे? मैक्रोनी बता दो। मैक्रोनी को सबसे पहले तो हम बॉइल करके और उसके लिए जो केचप होती है वो हम लोग चीज सॉस और जो साथी केचप होती है उसको अलग निकाल के और जो शिमला मिर्च एंड गाजर वगैरह जो भी हमने वेजिटेबल्स होती हैं उन्हें काट के एक साइड पे उसका अच्छी तरीके से लहसुन अदरक का मसाला बना के उससे मैक्रोनी के अंदर चिकन डाल के और जो सारे वेजिटेबल्स होते हैं उसे अंदर डाल दें और बाद में मैक्रोनी को अच्छी तरीके से डाल के उसे बना लीजिए और ऊपर आप चीज़ की एक लेयर लगा दें और वो सबसे अच्छी मैक्रोनी की। अपने लिए मामा के लिए सबके लिए क्या बनना है लाइफ में बड़े होके? अभी साइकोलॉजिस्ट वो रखी हुई आगे तो उसके प्लान है। साइकोलॉजिस्ट नहीं रखी, साइकोलॉजी साइकोलॉजी रखी हुई है। साइकोलॉजिस्ट का प्लान है साइकोलॉजिस्ट बनने का। ओके, फैमिली में कोई है साइकोलॉजिस्ट? नो, नहीं है। चलो बेस्ट ऑफ लक और लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। अच्छा लगा जी उससे बात की और कोई बात नहीं, टास्क नहीं आया मगर रेसिपी उन्होंने बताई अच्छी वाली और मैं वैसे ही कही थी कि रेसिपी नहीं बताई किसी ने तो आई थिंक दिस वाज गुड। किसी और से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीरा बाबी। क्या करती हैं मीरा? स्टडी करती हैं। और आज कैसे आना हुआ? बस वैसे ही शॉपिंग वगैरह। शॉपिंग करने आई हैं। चले जी मुझे बताएं, आपसे सवाल कर लें, वो क्या चीज़ है जिसको डूबता हुआ देख के कोई नहीं बचाता? इंसान। इंसान क्यों? अल्लाह से माफी मांगो है। ओह नो। मैं रेसिपी शेयर करूंगी। बता दो जी। मैं बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। बिरयानी के तय वाली बिरयानी है। पहले हम चिकन फ्राई करके उसके बाद हम सारा मसाला वगैरह ओनियन वगैरह सारा फ्राई करके मसाला वगैरह अच्छी तरह से भून के फिर हम लोग चिकन की और बिरयानी के पहले चावलों की तय लगा के फिर हम बिरयानी की तय लगा देंगे और ऐसे ही हमारी बिरयानी टेस्टी तैयार हो जाएगी। तय लगानी है, तय में क्या लगाना है ये आप सोच लें, है ना जी। और न्यूज़ की तरफ से आप कितनी मासूम बच्ची है, मैं उसको छेड़ रही हूँ और वो कह रही है हाँ जी जी। बिरयानी में क्या क्या डलता है अब ये तो आपको एक डिब्बे के पीछे भी लेके पता चल जाएगा मगर ऐसी बिरयानी तो फिर। अस्सलाम वालेकुम। ऊंचा। वालेकुम सलाम। नाम आपका? फजनास। आपका? अबीरा। अभी अबीरा क्या सुनाओगी? बेबी बेबी सुनाओ। बेबी बेबी यस मामा इनकी शुगर नो मामा 10 ways नो मामा इन ऊपर कितनी लंबी है माशाल्लाह। इसकी आईलैशेस पे ज़ूम करें जरा कैमरा, इनकी आईलैशेस पे ज़ूम करें, ये देखो इसकी तकरीबन 1-1 inch की मेरे ख्याल से आईलैशेस है माशाल्लाह। ये इतनी लंबी कैसे हुई? बेबी बेबी यस मामा। अरे चुप करो ना, ये इतनी लंबी कैसे हुई? तेल लगाते हो? नहीं। फिर क्या लगाते हो? क्या राज है? बताओ, मेरे पापा की ऐसी हैं। पापा ने भी ऐसी, मेरे भी ऐसी। अच्छा चलो क्या सुनाओगे? बेबी बेबी यस। ठीक है आप चुप सुनाओ। बेबी बेबी यस मामा एंटी नो मामा अपन आपने गलत सुनाई थी, उसने सही सुनाई है। लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। थैंक यू। बहुत ही प्यारे बच्चे और बड़ी आप ही है ना, उसके कान में सुना रही है कि ऐसे ऐसे पोइम, असल में खुद ने गलत सुनाई है और भाई की भी खराब कर रही है। खैर किसी और से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद है। क्या करते हो? मैं तंग करता हूँ। कैसे? घर वालों को तंग करता हूँ, यानी कि घर वाले काम कहते हैं वो करते नहीं हैं, अपनी मर्जी करते हैं बस एंजॉय। अच्छा घर में कौन कौन है? घर में माशाल्लाह सभी फैमिलीज हैं। कौन कौन? यानी कि मम्मा हैं, पापा हैं, यानी कि सिस्टर हैं, छोटे भाई लोग हैं, चाचू लोग हैं, चाची लोग हैं, सभी हैं। अच्छा वेरी गुड। चलो जी मुझे बताओ कि आपसे सवाल कर लें। कैसा सवाल करें? वो क्या चीज़ है जिसको डूबता देख के कोई नहीं बचाता? जिसको डूबता देख के कोई नहीं बचाता। जिस वो क्या चीज है जिसको डूबता देख के कोई नहीं बचाता जी? कोई और क्वेश्चन कर लें तो अच्छी वो बात। क्या चीज है जिसका
वो क्या चीज है जो हाथी से भी बड़ी है? वो क्या चीज है जो हाथी जानदार की है पर हाथी से भी बड़ी? चलो इसको छोड़ो, सान सवाल कर देती हूँ। वो कौन सा जानदार है जिसकी जुबान का वजन खाली हाथी जितना है? जुबान का वजन? जी, एक जानदार है जिसकी जुबान का वजन खाली हाथी जितना है। नहीं सॉरी, ये वो 40,000 किलो खाना खाता है एक दिन में। नहीं ऐसे क्वेश्चन, नहीं सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ओके कोई बात नहीं, क्या सुनाओगे? क्या सुनाएंगे, क्या सुनना चाहते हैं आप? अभी आप भैया आप ये तो ना करो ना, जो सुनाना जल्दी सुनाओ। गाना? जी गाना सुना देंगे। हो चांदनी जब कोई रात, अच्छा दोबारा। हो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हो हम नवाज। ये ले जी, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। अच्छी आवाज है आपकी। थैंक यू। लग नहीं रहा था वैसे शुरू में कि अच्छी होगी। जी अच्छी आवाज है इनकी और काफी अच्छा इन्होंने गाना भी सुना दिया आपको, और सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका जवाब आप सोचे, हम किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? जी फारूक खान। क्या करते हैं आप? मैं बैंक मैनेजर हूँ। ओके सामने देखना है आपने, मुझे बताएं खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। ओके मुँह के पास करें माइक। जी बिरयानी पसंद है। वो कौन सा जानदार है जिसकी जुबान का वजन हाथी जितना है? आई थिंक ब्लू व्हेल। वाओ कैसे दिया जवाब, सच बताएं। जी जी आई नो, मतलब कि वही हो सकती है। या आप तो बैंकर हैं, आपको कैसे पता होगा, आप तो पैसे ही गिनते रहते होंगे। हैं? नहीं नहीं मैं पैसे नहीं गिनता, वो कैशियर गिनता है। पैसे का काम होता है ना बैंकर। हाँ, हाँ, हाँ। बड़ा फायदे वाला काम है। हाँ। क्या सुनाएंगे जी? क्या गाना सुना रहे? हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे देना, घबराए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को। दुखी गाना क्यों? महफिल को छोड़ के जा रहे हैं, हैं? शॉपिंग कर ली है हमने। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, वेलकम टू लाहौर न्यूज। थैंक यू, थैंक यू जी। अच्छा लगा हमने इनसे बात की और इन्होंने जो है हमें गाना सुनाया। किसी और से बात। सामने का। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? अफशा कामरान। क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। ओके फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में सभी रहते हैं, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। ओके क्या सारे मसरूफियात होती हैं? खाना बच्चों के लिए, घर के जो घरेलू औरतें करती हैं। कितने बच्चे आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे। ओके बेटे बेटी कितने हैं? 3 बेटे हैं। बेटे जी माशाल्लाह। माशाल्लाह ओके मुझे बताएं उनमें से सबसे ज्यादा शरारती कौन है? सबसे छोटा बेटा। अच्छा जी। वो क्या शरारत करता है? सारा दिन शरारत ही करता रहता है। और खाने में तंग करते हैं? नहीं खाना सब कुछ खा लेते हैं बच्चे, हर चीज खा लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, अल्लाह नजर से बचाए। चले जी आपसे एक आसान से सवाल करो। जी जरूर। मुझे बताएं वो कौन सा जानदार है जिसकी जुबान का वजन खाली हाथी जितना है? खाली हाथी जितना? नहीं ये नहीं आता जनरल। कुछ भी घर में आप हाउस वाइफ हैं, कुछ भी रेसिपी बता दें खाने की। आजकल सर्दियों का जैसे मौसम है तो फिश बहुत चल रही है, तो इसकी बहुत एक आसान सी रेसिपी है। आप नमक उसको फिश को लेके अच्छी तरह धो के नमक अजवाइन लगा के रख दें, 2-3 घंटे उसको रखें, सिरका लगा के रखें, फिर उसके बाद आप उसमें ना मैदा और बेसन को मिक्स करके इसमें नमक मिर्च डालें, अजवाइन डालें, क्योंकि अजवाइन के बगैर फिश नहीं बनती, तो आप अजवाइन डालें साथ में और इसमें डिप करके और उस पर डीप फ्राई करें तो बहुत मजे की बनती है। गुड, थैंक यू सो मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक यू। वेलकम।
अच्छा लगा जी हमने इनसे बात की और इन्होंने बहुत अच्छी यम्मी रेसिपी बताई और ज़रूर बनाएं फिश, बहुत अच्छा सीजन है, आप फिश खाएं मुझे। नाज़रीन टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, सुलह से आपने कुछ सुनाना है क्या? नूडल्स सुनाने हैं, वो कैसे सुनाते हैं? अपने नबी का एक वाक्य सुनाऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माही। अब्दुल गबोल गुमगम। अब रोंगो, ये क्या डाला गया, पानी में डूब गए हो, दोबारा बोलो। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए तो और भी लोगों से बातें करते हैं। काम वालेकुम अस्सलाम। नाम? इब्राहिम हुसैन। नाम उसके आगे करो। राफे हुसैन। ओके माशाल्लाह। बाबा के आगे करो। आपका नाम? जी साजिद। इनका नाम? मानूर। क्या उम्र है इसकी? 2.5 साल। ओके माशाल्लाह। चलो मुझे बताओ बेटा कौन सी क्लास में हो? मैं हूँ 4 में। बड़े होके क्या बनना है? क्रिकेटर। क्रिकेटर, अरे वाह। और आपने? आर्मी। आर्मी में जाना है। खाने में क्या पसंद है? नूडल्स। और इनको? बर्गर। बर्गर। चलो मुझे 3 का टेबल सुना दो। आता है 3 का टेबल? चलो सुना दो। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. वेरी गुड। भाई को दो, आप क्या सुनाएंगे? सुना, ये बहुत शरारती लग रहा है, कैसा है? चलो सुना दो। दिखाओ दिखाओ, क्या दिखाओ? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। मुझे बताओ बहना से लड़ते तो नहीं हो? नहीं। प्यार करते हो? चलो आप मुझे बताएं कि ये शरारती है? हाँ जी बहुत शरारती है। खाने पीने में तंग करती है? नहीं इतना नहीं। ऐसी बात है? अच्छा मम्मा अच्छी लगती है? बाबा? बाबा, बाबा। ओके। सोचा भी नहीं, सीधा बाबा। क्यों? क्यों? डांटता कौन है, मामा या बाबा? बाबा डांटते हैं। आप डांटते? नहीं बाबा तो नहीं डांटते। क्या खाती हो? खाती क्या हो? क्या खाना खाती हो? क्या चीज़? चॉप। क्या चीज़? क्या खाती शौक से? ये सारा कुछ खाती है। अच्छा माशाल्लाह। रोटी। रोटी। रोटी अच्छी लगती है। और आपको क्या अच्छा लगता है? बर्गर। बर्गर। आपको? नूडल्स। नूडल्स। चलो जी वेरी। आपने कुछ सुनाना है क्या? नूडल्स। नूडल्स सुनाने हैं, वो कैसे सुनाते हैं? चलो सुना दो जल्दी से कुछ नूडल्स। चलो लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू बच्चों। जी बहुत प्यारी फैमिली और क्यूटू से बच्चों से हमने बातें की और वो जैसे सुना रहा था वो बीच वाले की शक्ल देख के मुझे लगा था बहुत शरारती है, कुछ बच्चों के फेस पे होता है शरारत किसी और से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? अजीम अहमद। अजीम अहमद, क्यों नाम अजीम है? मैं सब बुने रखा है। बाल इतने घने तुम्हारे, क्या लगाते हो? ये बस शैम्पू। तो हम कौन सा मट्टी से धोते हैं, कौन सा शैम्पू लगाते हो? क्या पता, पेट्रोल से मॉलिश करती हूं। पेट्रोल से क्यों लगाएंगे, बेवकूफ लगते हैं तुम्हें। नहीं, मैं बड़ा ही लेम जोक था, फजूल जोक था। चलो कहीं नहीं। क्या सुनाओगे? मैं अपने नबी का एक वाक्य सुनाऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुनाएं। एक बार हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ ना मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, दोपहर का टाइम था, तो एक बूढ़ी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारे करके अपनी तरफ मुखातिब किया, तो आप सल्लम उठे और उधर उस बूढ़ी औरत के पास चले गए, तो काफ़ी देर तक ना आपसे सल्लम उनसे उससे गुफ्तगू करते रहे, तो सहाबा कराम काफ़ी देर तक इंतज़ार किया और आपसे सल्लम जब वापस नहीं आए तो हम सहाबा कराम जो है ना आपसे सल्लम के पीछे पीछे गए, तो आपसे सल्लम से जाकर मुखातिब हुए और का फरमाया गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो मदीने की एक पागल औरत है, तो कह सकते हैं कि इसकी बात ही कोई नहीं सुनता, तो आप इसके साथ क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं? तो हमारे नबी ने फरमाया कि अगर इसकी बात मैं भी नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह वेरी गुड मैसेज। और यूथ जब आके ऐसे मैसेज प्रमोट करती है बहुत अच्छा लगता है। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपकी देखिए।
अरे जी अस्सलाम वालेकुम, कितना प्यारा बच्चा है। खैर भाग गया है किसी और से बात। कम वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? मकसूद। इनका नाम? माहीन। माहीन कौन सी क्लास में है? प्रेप। माहीन आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आज क्यों तैयार हुई हो? हैप्पी बर्थडे। आपकी हैप्पी बर्थडे है। कितने साल की होगी हो? 8। हैप्पी बर्थडे। चलो इसके लिए गाना गाते हैं, ठीक है? और बोलो अभी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माहीन, ना बना माहीन, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके जी, आप बताएं क्या बहना को गिफ्ट दिया? बहना को क्या गिफ्ट दिया? ओय 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 ओय। कुछ भी नहीं दिया। दिया क्या? दिया बैग। बैग दिया। ओके, अभी केक काट लिया कि काटना है? अभी काटना। काटना है, चलो वेरी गुड। क्या सुनाओगे बहना को? कुछ सुना दो। सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, how I wonder what you are, up above the world so high, like the diamond in the sky. Very good. ये लो जी आप लोगों के लिए गिफ्ट। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। बहुत अच्छा लगा जी से बात की और बहुत ही अच्छी लग रही थी बच्ची और उसकी बर्थडे है तो इस वजह से हमने इसको विश कर दिया। किसी और से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? तुसीफ रहमान। मुंह माइक के पास करो। तुसीफ अहमद। अब्दुलरहमान। क्या करते हो? बीएस। आप? एज अ जॉब। जॉब क्या? मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ओके। भाई हो? दोस्त हो? दोस्त। कितना अर्सा हो गया दोस्ती को? मैक्सिमम 7 इयर्स। अच्छा। यस। इसकी एक अच्छी आदत, उसके बीच में करो ना माइक, एक इसकी अच्छी आदत ला दो। ऑनेस्ट। और बुरी आदत? बुरी आदत जल्दी यकीन नहीं करते। एक अच्छी और एक बुरी। ये जल्दी मिलता नहीं है। बुरी? बुरी ये कि ये तो बुरी हुई ना, अच्छी बताओ। अच्छी है कि कोई अच्छी नहीं है, हैं तुम में कोई 7 सालों में एक अच्छी आदत नहीं नजर आई मेरे दोस्त को? कोई भी नहीं। फ्रेंड्स होते ही ऐसे। आप भी तो फ्रेंड हो, आपको तो दुश्मन हो, आपने भी तो बताई ना एक आदत। फिलहाल याद नहीं आ रही। कोई अच्छी आदत नहीं है। अखलाक अच्छा है, लड़ाई में आपके साथ आता है, सपोर्ट करता है, कुछ भी नहीं। इखलाक अच्छा है। इखलाक अच्छा, चलो ये सबसे अच्छी बात है। आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए। मुझे बता दो आपने टंग ट्विस्टर बोलना है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। वेरी गुड, आपका दोस्त इंटेलिजेंट भी है। चलो आप भी बोलें। इसने बोला खड़क सिंह रिपीट करेंगे। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये बोलना थोड़ा मुश्किल है। कोशिश करो ना। पुराना टंग ट्विस्टर है मैम। बहुत पुराना है। बहुत। अब तो आना चाहिए। चलो कोई नया बता दे। शाम से नया बता दो। अब्दुल गोल गबंगम। सॉरी, अब्दुल गोल गबंगम। अब्दुल गोल गबंगम। ये क्या डाला गया? पानी में डूब गए हो। दोबारा बोलो। दोबारा बोलो। अब्दुल गोल गबंगम। 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 हां बोलो। अब्दुल गोल गबंगम। थोड़ा बहुत बेहतर है। चलो अब्दुल गोल गबंगम। दो चार दफा बोलो फिर तेजी से बोलो, आ जाएगा। अब्दुल गोल गबंगम। चलो सबसे घिसा पिटा कच्चा पापड़ पक्का पापड़ दो दफा तेज से बोलो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ इतना बोलो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़। चलो इतना ही बहुत है। क्या सुनाओगे? सुनाओ। निकाब करने वाले फिर निकाब करने का क्या फायदा? निकाब करने वाले फिर निकाब करने का क्या फायदा? मोहब्बत आंखों से होती है, होठ छुपाने का क्या फायदा? ओह नो, इनको दे दो। अलामा इकबाल की पोएट्री है। अभी इश्क के कारवां और भी हैं,
सितारों से आगे जहां और भी हैं। तू शाहीन है, परवाज है तेरा काम, तेरे आगे जहां और भी हैं। डेडिकेट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। वेरी गुड। थोड़ा आगे भी छोड़ दिया ना? नहीं, नो, आई एम बिग फैन ऑफ अल्लामा इकबाल एंड आई एम ऑल्सो अ टीचर। अल्लामा इकबाल का कुछ और सुनाओ। बहुत मशहूर है कि मोहम्मद से वफ़ात होने तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम दे रहे हैं। जज़ाकअल्लाह जी। ये ले जी लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट, थैंक यू सो मच। जी अच्छा लगा हमने इनसे बात की और इन्होंने ट्राई किया टंग ट्विस्टर लेकिन उनको टंग ट्विस्टर नहीं आए और वो काफ़ी फनी था। टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, सुबह 7 ब्रेक। ओ वेरी गुड। मत वतन अपना जिस्मान वतन अपने सच्ची लगन मगरमच्छ। और मगरमच्छ पहले बता था आपको नहीं है। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आके तो मजीद लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाम आपका? अब्दुल्ला अब्दुल गफूर। ओके अब्दुल्ला, क्या करते हो? मैं कॉलेज एलम में पढ़ता हूँ। कॉलेज में पढ़ते हो? यस। वो कैसे? वहाँ पे मैं हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल में रहते हो, पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? पेरेंट्स यहाँ पे ही रहते हैं। हर महीने की संडे, लास्ट संडे को पेरेंट्स से मीटिंग होती है 8 घंटे की। 8 घंटे हम बाहर कहीं लेके जाते हैं, फिर वापस उधर ही छोड़ के पेरेंट्स घर चले जाते हैं। तो उदास नहीं होते? नहीं, सही है। उधर सारा ट्रेनिंग कराते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, डिनर टाइम वगैरह, स्लीपिंग एरिया, मतलब हमें ट्रेनिंग बड़ी कराते हैं। बोर्डिंग स्कूल टाइप में? हाँ जी। तो आर्मी में जाना चाहते हो? यस। अच्छा, अभी इतने छोटे हो, दिल नहीं करता माँ बाबा के साथ रहने का? दिल करता है लेकिन बनना तो पड़ेगा ना आर्मी। देखो बचपन से इतने एफर्ट पुट कर रहे हो, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आप जरूर जाओ आर्मी में। कितने बहन भाई हो? हम 5 बहन भाई हैं। बाकी कौन कौन है? बाकी मम्मा पापा। 2 बहन, कितने बहन भाई हो? दो मुझसे छोटी बहनें हैं और 2 बड़े भाई। वो बड़े भाई कहाँ पे हैं? एक बड़ा भाई यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहा है और एक अभी कुरान हाफिज करता है। माशाल्लाह। वो बोर्डिंग में ही होते हैं घर पे? वो जो कुरान करते हैं वो जाते हैं वो कुरान वाले एरिया में, फिर उनको सर हमेशा देते हैं सबक, फिर जब उनका कुरान मुकम्मल हो जाएंगे वो हाफिज बन जाएंगे, वो फिर नमाज पढ़ा सकते हैं। कुछ भी मत नहीं, वो डेली पढ़ने जाते हैं या वो भी वहीं रहते हैं? नहीं, वो डेली पढ़ने जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। और बड़ा भाई? वो मेरा बड़ा भाई अभी पढ़ता है यहाँ पे ही, वो क्या कहते हैं, वो यहाँ पे ही पढ़ता है। उसने अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी। पहले बोर्डिंग में था वो भी? नहीं, वो पहले। यू आर द ओनली वन जो बोर्डिंग गया? वो मैं ही। सिर्फ जो जाते हो? क्यों? मैंने फौजी बनना है तो ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। आपकी ख्वाहिश थी के पेरेंट्स की? मेरी ख्वाहिश थी। वेरी गुड, चलो बेस्ट ऑफ लक यार, हाथों मिलाओ, हाथ मिलाओ। यू आर वेरी स्ट्रांग, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में रहना माँ बाप से दूर, अपने शौक के लिए, सामने देखो अपने शौक के लिए तुमने खुद चूज किया कि मैं जाऊंगा आर्मी में जाने के लिए, अभी से एफर्ट पुट कर रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे बताओ वहाँ पे क्या सीखा अब तक? वहाँ पे हमने बहुत वॉक आ गई है। हाँ जी। करके दिखाओगे? ओके। ओह वेरी गुड, वाह, यू आर सो स्ट्रांग। और कुछ सीखा? और भी और ट्रेनिंग है, मैं करो। वहाँ पे स्पोर्ट्स भी कराई जाती है, 4 मतलब अलग टीमें, एक है मतलब टीपू हाउस, एक इकबाल हाउस, एक जिना, एक है बाबर हाउस। मतलब कभी किसी की ड्रिल होती है ऐसे करना, किसी की पीटी होती है एक्सरसाइज करना, और 2 टीमों की स्पोर्ट्स होती है, वो कुछ भी खेलते हैं। वॉलीबॉल। ठीक है, माहौल सख्त माहौल है? नहीं, सही है। अच्छा, खाने में क्या खाते हो? सामने मुंह के पास करो, माइक को मुंह के पास करो। हाँ। सुबह हम खाने में सुबह हमेशा हम कभी ब्रेड जैम खाते हैं, कभी उबला हुआ अंडा खाते हैं, कभी हम उधर
टोस्ट खाते हैं, फिर दोपहर को हम कहते हैं चावल सालन बहुत ज्यादा, और रात को फिर हम वो क्या कहते हैं शोरबे वगैरह वगैरह सारा कुछ। ओके, और कितने बजे सोते हैं? मैं सोता हूँ 10:15 पे, राउंड लगाने आते हैं सर 10:15 पे, हम सो जाते हैं सारे, फिर 5:40 पे उठते हैं फजर की नमाज। वाओ माशाल्लाह, अरे वाह स्ट्रांग बच्चे हैं। तो अभी कैसे आए हो यहाँ पे? यहाँ पे अभी कोरोना की वजह से हमें छुट्टियाँ हो गई हैं, फिर उन्हें छुट्टियाँ दे के यहाँ पे 2 months 1 month बुलाया, फिर वापस बुला लेंगे। तो आर यू हैप्पी कि छुट्टियों में घर आए हो? अरे वाह जबरदस्त। जे लो जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, और मुझे तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मैं इम्प्रेस हो गई आपसे। बाय बाय। बहुत ही प्यारा बच्चा माशाल्लाह, और अभी से उसने खुद चूज़ किया अपनी लाइफ में, और कोरोना के से वो थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। देखे ना कहीं किसी के लिए अगर कोई चीज़ गलत है तो किसी के लिए ये है कि वो इस टाइम में अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजार लेगा, तो स्वीट फीलिंग किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? अनीला। क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ और ब्यूटीशियन भी हूँ। थैंक यू। आपका नाम? अपना नाम बताए। मुँह पे क्या किया है? अपना नाम बताए। क्या नाम है? गुलाम फरीद। जोर से बोले। मम्मा गुलाम फरीद। ओए छोने, छोर मुंह पे क्या किया? बताओ ये क्या किया? पेन मारा है। ओए किसने मारा है? मैंने खुद ही। खुद ही मारा है जी, खुद ही। खाने में क्या खाता है बताएं, आप बताएं। अंडा, अंडा रोटी और एग इन अजी। अच्छा एक पोएम सुनाएं? अच्छा जी जरूर सुनवाएं। जोनी जोनी एच पापा इट इन शुगर नो पापा टेलिंग लाइक नो पापा अप इन ए माउस हा हा हा। मिली नगमा सुनाओ फौजियों वाला, अपनी हिम्मत जोर से बोल रहा है। अपनी हिम्मत वतन, अपना जिज्बान वतन, अपनी सच्ची लगन, जीजा रचा वतन का ये मे कसम है बुकरा नूने दुश्मन जबील के नजर। पाकिस्तान। जोर से बोलो पाकिस्तान। ऐसे करो जिंदाबाद। ओए ओए अल्लाह जी। कितने बच्चे आपके? मेरा एक ही बेटा है। बहुत प्यारा है माशाल्लाह, शरारती सा है। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू बोलो। ले लो इसमें बहुत सारे पेन भी है। थैंक यू बोलो बेटा जोर से। थैंक यू। थैंक यू जी। जी अपने मुंह पे पेन मारा और मैंने कहा किसने मारा, कहता खुद ही मारा है। खैर किसी और से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? तैयब। इनका नाम? हमारा। क्या करती हैं? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। और आप क्या करते हैं? मैं बैंकर। कितना टाइम हो गया शादी को? 6 months हो गए। 6 months नहीं हुई है हमारी को। अच्छा जी, मुझे लव मैरिज, अरेंज मैरिज? टोटली अरेंज। टोटली अरेंज। अच्छा, अपनी वाइफ की बहुत अच्छी आदत बता दें। गुस्सा नहीं आता इसको। और बुरी आदत? बुरी आदत कोई भी नहीं। आप बता दें अच्छी और एक बुरी। इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अच्छी आदत? अच्छी आदत ये कि जो कहती हूँ मान जाती है। मान जाते हैं। आज कैसे आना हुआ? आज ऐसे ही हम विजिट करने के लिए आए थे, देखने के लिए। चले मुझे बताएं आप, टंग ट्विस्टर दूं या सवाल? क्वेश्चन पूछ लें। क्वेश्चन पूछ लें। कुर्बानी नहीं आएगा तो कुर्बान। वो कौन सा जानदार है जिसकी जुबान का वजन हाथी जितना है? वो कौन सा जानदार है जिसका जुबान का वजन हाथी जितना? मगरमच्छ। ओह नो, मगरमच्छ पहले बता था आपको नहीं आएगा। क्या शेयर करें? बताएं, शेयर कर लें आप कुछ, मुझे तो नहीं आ रहा। क्या शेयर करेंगे बताओ, क्या करें? यही कि हमें खुश रहना चाहिए। आप बताएं। रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। आपको गाना सुनाएं। गाना आप सुना के लिए, आपकी नई नई शादी है, अपनी मिसेस को गाना डेडिकेट करें। हमारे पास जितने न्यूली वेड कपल आते हैं वो यही करते हैं। अच्छा कौन सा सुनाऊं? कोई भी को जो आपको लगता है अच्छा सा सुना दें। अच्छा, तुम ही हो अब, तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। ठीक है, ये ले। थैंक यू। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत शुक्रिया। उनको दे दे माइक। मुझे अच्छा लगा हमने इनसे बात की, और मैं जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं मैं उनको कहूँगी एक बात, इट्स टोटली नॉर्मल थिंग, यू गाइस कैन सी
मेरे हाथ में एक माइक है, तो प्लीज़ वो माइक आप मुझे ना पकड़ाया करें। मकसद ही ये है माइक का कि हम थोड़ा सा बच के रहें एक दूसरे के हाथों, कुछ वाली चीज़ ना मैं उनको दूँ ना वो मुझे दें, ठीक है? थैंक यू जी। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म, लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त, मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, वैसे भी ख्याल रखें लेकिन जब तक मुलाकात नहीं होती और ख्याल रखें, और खूब खाएं पिएं, रेस्ट करें, खुश रहें, नमाज पढ़ें, एक दूसरे के लिए दिल में मोहब्बतें रखें, हसद फसाद को ना रखें, और ये जो मुफ्त की अकड़ होती है ना वो ना रखें, वे मुफ्त की अकड़ कोई बर्दाश्त नहीं करता किसी की। कोशिश करें स्वीट रहें, हैप्पी रहें, और जेलस ना हों एक दूसरे से, जिसको जो अल्लाह ने दिया उसको दे के खुश हों, अल्लाह पाक आपको भी और देगा। ये कुछ टिप्स हैं, इससे आपका दिन अच्छा गुजरेगा, मैं आपको बताऊं, आप ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, आप ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। आज हमने कुछ पुराने सवाल भी किए क्योंकि नए सवाल लोगों को आ नहीं रहे थे, तो मैंने एक सवाल किया था, वो क्या है जिसको डूबता हुआ देख के कोई नहीं बचाता, तो उसका जवाब है साया, तो क्योंकि साया पानी पर नहीं आता, ठीक है? और दूसरा आपसे मैंने सवाल किया था, वो कौन सा जानदार है जिसकी ज़ुबान का वजन हाथी जितना है, तो वो है ब्लू व्हेल। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू वॉच बूजो तो जीतो एवरी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एट 7 PM ओनली ऑन लाहौर न्यूज़ HD। अल्लाह हाफिज़।